गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से निक्कू भाई हमारे सामने। निक्कू भाई कैसे हो? बढ़िया हूँ। तो आज क्या कुछ ले गया अपने मिनी शोरूम में? मिनी शोरूम में क्रेटा हुंडई की। क्रेटा? हाँ। फिर से कितनी होगी? चार पांच क्रेटा होगी। चार पांच क्रेटा। हाँ। चलो एक तो आपके सामने ये रही, ये अभी आई थी, अभी खुल रहा है। देखो इसमें दो डैम्प होगा, सोनी जीएस का स्पीकर लगेगा कंपोनेंट, सोनी जीएस 4 का एम्पलीफायर लगेगा, फ्लोपन का स्टूडियो लगेगा, बैक कैमरा लगेगा। अभी देखो कंपनी से जैसे है, देखो अभी मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, बिल्कुल आप देख के बता सकते हो बेस मॉडल गाड़ी है, डब्बा गाड़ी लग रही है। बिल्कुल ना इसमें एलईडी है, ना आगे डीआरएल है, ना ग्रिल है, ना रूफ रेल है, कुछ भी नहीं, सिंपल गाड़ी है, ई मॉडल है। ठीक है, फ्रंट से आपने देख लिया, देखो मीटर ऐसी है, कोई इंडिकेटर नहीं है, फेंडर पे इंडिकेटर है, ये डंडी वाली है, कंपनी स्पीकर नहीं देती है, ना डोर डैम्पिंग देती है, डब्बा सा है, ना म्यूजिक है, कुछ नहीं है। पीछे से देखो ना सीट कवर है, ना कुछ है। ठीक है जी, बिल्कुल। और ये छोड़ो, सबसे पहली चीज ना लाया है, सिर्फ एक डब्बा हमारे पास टॉप बनने के लिए आई है, पूरे टॉप बनाओगे? बिल्कुल, इसको टॉप बनाऊंगा, इसमें इनलाइन का लाया लगाऊंगा। ठीक है, सोनी जीएस 4 का कंपोनेंट लगाऊंगा, एम्प लगाऊंगा, डोर डैम्प करूंगा, ब्लोपन का स्टूडियो लगाऊंगा। ये अभी बेस मॉडल, इसके अलावा छोड़ो दूसरी क्रेट। हाँ बिल्कुल, दूसरी क्रेट अपनी ये है, दूसरी जिसमें 30-40% काम हो चुका, अभी हो रहा है। ठीक है, दो डैम्प हो रहा है। ठीक है, डबल लेयर डैम्पिंग है। ठीक है, इसके बाद इसमें देख लो, अभी खुली हुई गाड़ी, इसमें भी काम चल रहा है अपना अभी जी। सब लगने वाली है इधर। हाँ, बाकी सिस्टम में क्या कुछ चल रहा है इसमें? सिस्टम में इसमें भी जीएस का स्पीकर है, ब्लोपन का स्पीकर है, सोनी जीएस 4 का एम्पलीफायर है। ठीक है, सारा कुछ इसमें भी, इसमें अलाय नहीं है अभी, कोई कस्टमर का नीड नहीं है। ये सोनी का नया मॉडल आया है जीएस। ठीक है, ठीक है, ये स्पीकर लग रहा है इसमें। इसके अलावा जो मेन जो अपनी गाड़ी है जी, ये अपनी क्रेटा है, पुरानी क्रेटा भी लेके रखते हो अभी? हाँ, जो जिनके पास है तो कहाँ जाएंगे, लेके तो आएंगे मेरे पास। पुरानी क्रेटा का प्यार मिल रहा है। देखो आप, जैसे अपने पास 90% इस गाड़ी में काम कंप्लीट हो चुका, जैसे हमने देखा है फ्रंट से ग्रिल इंस्टॉल कर दिया टॉप मॉडल वाला, बेस मॉडल वाला ग्रिल जो आता है ये रहा, निकाल के हमने इधर रख दिया। ठीक है, ये बेस मॉडल वाला ग्रिल आपके सामने रहा, और ये टॉप मॉडल वाला ग्रिल आपके सामने। इसमें हमने डीआरए इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, 360 डिग्री कैमरा लगा दिया, 2 सेट एलईडी हमने लगा दिया, 1 AT 1 AT 1 का जी। ठीक है, इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पर मीटर का काम चल रहा है, मीटर फोल्डिंग हो चुका है, 360 डिग्री कैमरा यहाँ पर लग गया। ठीक है, बैंड लगना बाकी है, डोर डैम्प इसमें भी हो गया। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा इसमें अपना म्यूजिक का काम अभी बाकी है, म्यूजिक का काम चल रहा है, सीट कवर अपना फिटिंग हो चुका है, फ्लोरिंग का काम हो चुका है, सनग्लास होल्डर लग चुका है। ठीक है, 90% काम कंपनी से, कस्टमर खुद अलॉय व्हील लगा के आए थे 17 इंची। एक बार जानेंगे कस्टमर से हम जरूर कि अलॉय व्हील और टायर कितने का डिफरेंस में मिला है, हमसे सस्ता मिला है और हमसे महंगा मिला है। चलिए भाई, ये भी पूछ लेंगे। भाई साहब को बुलाते हैं, एक बार इधर आइए भाई साहब, एक बार प्लीज एक बार आइए। चलो एक बार कस्टमर भी आ रहे हैं। बाकी डिस्काउंटेड ये अलॉय व्हील कितने के लिए आप कंपनी से? 50,000 का मिला हमारे यहाँ, 45,000 का है। पहली गाड़ी तो ये है, इसको दिखाएंगे, उस गाड़ी का अलग से वीडियो दिखाएंगे। चलिए भाई, ये गाड़ी मेन रहने वाले, तो दिखाऊंगा क्या डिटेल हो गया, 90% हो चुका है, 10% काम है, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो भाई फाइनली सारा काम कम्प्लीट हो चुका है, जो गाड़ी आई थी राजस्थान से कम्प्लीट रेडी हो चुकी है। जैसे कि निक्कू भाई ने बताया था, 90% काम कम्प्लीट हो चुका था, थोड़ा बहुत काम था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। बात की जाए क्या कुछ अपग्रेड है, तो भाई फ्रंट से दिखा दूँ फिर से। यहाँ पे देखिए भाई, आपके फ्रंट की पूरी ग्रिल चेंज करिए, टॉप मॉडल वाले ग्रिल, पुराने ग्रिल आपके सामने ये रखी। ठीक है, ये अपग्रेड हो चुकी है, साथ ही साथ हेडलाइट में एलईडी अपग्रेड कर दिए, जो कि आपके DHC ब्रांड रहने वाला है। एंड भाई अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा 180 वॉट का। सेकेंडरी बात की फ्रंट में देख सकते हैं भाई, बीच में यहाँ पे क्रोम लग के आता है, क्रोम आइटम पूरा यहाँ से पूरा एक फिक्स का, तो उसको रिमूव होकर फ्रेम के साथ यहाँ पे DIL इंस्टॉल कर दिए, जो कि आपकी जेन्युइन रहेगी, Hyundai की प्रॉपर कनेक्टिंग रहेगी। एंड अगर बात की जो हमारी DIL लग के आती है यहाँ पे पहले से, इसको हमने कर दिया चाबी से ऑन, तो जैसे चाबी ऑन करेंगे DIL आपकी ऑन हो जाएगी। इसके साथ साथ फ्रंट के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमारा 360 कैमरे की प्लेसमेंट, जो कि कुछ इस जगह पे देखने को मिलेगी। एंड साइड प्रोफाइल में लेके चलते हो, दिखा दो साइड प्रोफाइल में क्या कुछ अपग्रेड आपको देखने को मिल जाते हैं। तो भाई यहाँ से आपको देखने को मिलेगा साइड में, जो कि अपग्रेड हो चुका है टॉप मॉडल वाला। एंड ये देख सकते हैं भाई, प्रॉपर देखिए कलर सेम रहने वाला ब्लैक, इसके ऊपर भाई हमारी टेपिंग ही रही है। ठीक है, आता वाइट है, बट जो आपका कलर उस हिसाब से आपको कलर मिल जाएगा। नीचे देख सकते हैं 360 कैमरे की प्लेसमेंट, आपके भाई नीचे आपको पेडल लैंप मिल जाता है, जैसे आप गाड़ी ऑन करेंगे या फिर गाड़ी अनलॉक लॉक करेंगे तो आपका ये ऑन हो जाता है। बाकी भाई यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पे साइड स्किड पेड लगे, जो कि आपके जेन्युइन Hyundai की रहने वाली है, प्रॉपर फिटिंग के साथ में। क्वालिटी चेकआउट कर सकते हैं भाई, क्वालिटी फिटिंग किस कैसी है आपके सामने। बोर्ड साइड लगाई गई है भाई, बहुत अच्छी लुक यहाँ लगती है, मतलब टॉप मॉडल वाली कंप्लीट लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और जैसा ही मैं आपको वेंट का बता ही रहा था, तो भाई वेंट में यहाँ पे देख सकते हैं एडवेंचर वाला वेंट लग चुका है, जो कि प्रॉपर फिटिंग और लुक के साथ यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, मतलब बहुत बढ़िया फिटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है।
इसके साथ साथ भाई साइड हैंडल भी यहाँ पे आपके इंस्टॉल कर दिए, देख सकते हैं प्रॉपर आपके टॉप मॉडल वाले जो कि क्रोम इनबिल्ट आता है इसके अंदर। तो भाई यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टर अपग्रेड कर दिए गए, रिफ्लेक्टर की फिटमेंट वाइज सब कुछ बढ़िया रहने वाला है, क्वालिटी बढ़िया रहेगी, साथ ही साथ पीछे की तो 360 कैमरे की प्लेसमेंट आपकी यहाँ पे रहने वाली है। थोड़ा ऊपर चलो तो भाई ऊपर आपको देखना मिलेगा यहाँ पे शार्क फिनिशिंग है, एंड यहाँ पे आपको देखना मिलेगा रूफ रेल जो कि आपके सिल्वर फिनिशिंग के अंदर रहने वाली है प्रॉपर। भाई ये भी जेन्युइन है, ऐसा नहीं कि भाई जेन्युइन नहीं है, ये भी आपको जेन्युइनिटी के साथ मिलने वाली है, हर चीज़ जेन्युइन रहेगी। लुक आप देख सकते हैं, लुक कितनी ज़्यादा पैरेंट्स हो चुकी है, बेस मॉडल से टॉप मॉडल मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है भाई। ई मॉडल आया था, SX मॉडल कन्वर्ट कर दिया इसको। अब अंदर लेके चलता दिखाता हूँ अंदर से क्या कुछ अपग्रेड आपको देखने को मिलता है। तो गाइस अगर अंदर की बात किया तो भाई अंदर में भाई फुल्ली मॉडिफाई हो चुका है, सारा सिस्टम लग चुका है, सब कुछ लग चुका है, जो डिटेल वर्क था जेन्युइन आइटम सब कुछ यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। जैसे की बात किया फ्रंट में तो भाई यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले स्टीयरिंग कंट्रोल देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने में क्रूज कंट्रोल जो कि आपका प्रॉपर वर्किंग मिल जाएगा, देख सकते हैं क्वालिटी आपको सब बढ़िया मिल जाती है। एंड अगर बात की जाए भाई इसके अंदर भाई ये जेन्युइनिटी मिलने वाली आपको, बाकी ये जो है भाई आपके मैट में अगर आपको ग्लॉसी ब्लैक में चाहिए ग्लॉसी ब्लैक में मिलेंगे, जेन्युइन मिलने वाले Hyundai के। एंड इसके साथ साथ स्टीयरिंग देखते हैं भाई, स्टीयरिंग रैप किया गया जो कि आपको प्रॉपर रहने वाला है, क्वालिटी चेकआउट हो सकते हैं, स्टिचिंग चेकआउट कर सकते हैं भाई, प्रॉपर जिगजैग सिलाई के अंदर यहाँ पर लगाया गया, तो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिटमेंट बहुत अच्छी है भाई, फिनिशिंग भी आपको बहुत अच्छी लगी सामने से। बाकी इसके अंदर भाई एक डिजाइन होता है मून डिजाइन, तो अगर मून डिजाइन में आप जाना चाहते हैं मून डिजाइन में जा सकते हैं, मून डिजाइन के आपको डिजाइन मिल जाता है जिसमें यहाँ से आपको अलग कट मिलता है इधर से और इधर से मून की तरह, ठीक है। एंड अगर बात की इसके बाद क्या कुछ हुआ तो भाई डोर में जो दिखाया था मैंने आपको यहाँ पे साइड में तो वो दिखा दूँ, वन टच पे फोल्ड और वन टच पे अनफोल्ड किए जाएंगे प्रॉपर वर्किंग के साथ में। इनर हैंडल यहाँ पे अपग्रेड कर दिया, ट्विटर शैश यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, ट्विटर का सब कुछ वर्किंग रहने वाला है, स्पीकर बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, स्पीकर में आपको ऑप्शन मिलते हैं आपको, अगर भाई ऑप्शंस की बात की जाए सोनी मिल जाएगा, पाइने मिल जाएगा, जेबे मिल जाएगा, जेक्स मिल जाएगा, सोनी ES सीरीज फोकल, मतलब जो एक हाई एंड होते हैं ना हाई एंड वाले तो वो भी आपको मिलने वाले इस बार, हमें हमेशा मिल जाते हैं कोई क्वालिटी में भाई, हम डील करते हैं क्वालिटी में, ये नहीं कि भाई आपको सस्ती चीज़ चिपका दी महंगा बोल के चिपका दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो बेस्ट रहेगा प्रीमियम चीज़ रहेगी वो चीज़ आपको मिलने वाली है यहाँ पे। इसके साथ अगर बात करें एंड्रॉयड तो भाई आगे देखते हैं, ब्लू बंड का एंड्रॉयड यहाँ पर इंस्टॉल किया गया, इसके अंदर भाई आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि एप्लीकेशन दिखाऊं, पहले तो रिस्पॉन्स देखिए, मक्खन रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में कोई दिक्कत नहीं है इसे। एंड इसके अंदर आपको भाई यूट्यूब मिल रहा है, प्ले स्टोर मिल रहा है, ठीक है, मैप्स क्रोम, और साथ ही साथ भाई इसके अंदर आपको 360 मिल रहा है जो हमारा हो चुका काम यहाँ पे, बस कैलिब्रेशन बाकी है, ऊपर हमारा यहाँ पे पीछे डिक्की खुली हुई है इस वजह से आपको ऊपर दिख रहा है, बट ये दिखा दूँ ये आपकी लुक है, क्लैरिटी देख सकते हैं भाई फ्रंट में, ये देखिए गाड़ी और ये देखिए क्लैरिटी डिफरेंस देख सकते हैं भाई, इतनी अच्छी क्लैरिटी यहाँ पे आपको मिल रही है भाई कैमरे की, फ्रंट की बैक की साइड की सारे कैमरे बढ़िया मिलने वाले, क्वालिटी वाइज बढ़िया है। एंड इसके अंदर आपको 3D व्यू भी देखने को मिल जाता है, 3D व्यू में जहाँ चाहे इसके अंदर भाई आप जूम इन जूम आउट दोनों कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन सारे अवेलेबल रहने वाले हैं। बाकी बात की जाए इसके अंदर भाई और भी ऑप्शन है, अगर आपको भाई इसमें रिकॉर्डिंग करनी है तो भाई आपको सिंपली एक पेन ड्राइव लगानी है, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। बाकी तो भाई इसके अंदर भाई बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि भाई इसमें बताऊँ DSP मिल जाता है इनसाइड, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का आप दोनों इसमें अवेलेबल मिल रहा है, साथ ही साथ भाई इसके अंदर आपको जो बेसिक रीड होती है ना ऐप की एंड्रॉइड में, ब्लूटूथ म्यूजिक हो गया एंड आपका फ़ोन लिंक हो गया, वो सब इसके अंदर आपका चलने वाला है। बाकी प्रॉपर फ्रेम है देख सकते हैं, कहीं से ऊपर खाबड़ नहीं है, प्रॉपर इक्वल फ्रेम रहने वाला है, इक्वली सब कुछ सेट है। एंड इसके बाद अगर बात करें ऊपर की तरफ सनग्लास होल्डर यहाँ पर इंस्टॉल किया, जिसके अंदर यहाँ पर हमने लाइट इंस्टॉल किया है, देख सकते हैं ये है भाई LED हैलोजन लग के आता है, उसको निकाल के LED लगाती है यहाँ पे आपके सामने, जो भी लुक है भाई बहुत अच्छी रोशनी देते हैं यहाँ पे। एंड जो ट्विटर शैश लग के आए थे भाई कुछ इस तरीके से, मतलब ट्विटर शैश तो नहीं बोलूँगा, डंडी लगी हुई थी इसके अंदर जो आपके साइड में होती है, वो निकाल के ट्विटर शैश यहाँ पे इंस्टॉल किया है। एंड सीट कवर देख सकते हैं, सीट कवर आपके सामने, ये कुछ आपकी क्वालिटी हमेशा की तरह बेस्ट क्वालिटी, प्रॉपर पाइपिंग के साथ में, प्रॉपर सिलाई परफेक्शन के साथ सारा काम आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छी खासी यहाँ पे आपको कम्फर्ट देखने को मिलता है। एंड भाई फुल्ली बकेट जो होता है बकेट वाला काम, फुली बकेट, बाकी नीचे देख सकता है फ्लोरिंग की गई जो कि आपके कॉकरेल डिजाइन में, ठीक है। अब भाई कॉकरेल डिजाइन के बाद मिट्टी देख रहा हूँ भाई, ये मिट्टी जो है ना इजी साफ हो जाएगी, सिंपली गीला कपड़ा मारना है साफ हो जाएगी, बारिश का मौसम है भाई कीचड़ तो लग ही जाता है, तो भाई सबसे बढ़िया चीज़ आने वाली है, घर जाओ ऑफिस जाओ तो भाई एक बार गीला कपड़ा मार के इसको क्लीन कर लेना, एकदम नई जैसी बिल्कुल शाइन मारेगी। इसके बाद दूर में दिखाऊँ तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं सॉफ्ट टच किया गया, यहाँ पे ये आपका सॉफ्ट टच है, प्रॉपर देख सकते हैं स्टिचिंग सिलाई आपकी एकदम सीधी रहने वाली है। एंड इसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा, कंफर्ट आपको अच्छा मिल जाएगा, आराम से हाथ रख के आराम से अपनी गाड़ी चलाइए। बाकी इसमें एक चीज़ कम है, ML लाइट की, ML लाइट लग जाती तो और बढ़िया था, ML लाइट के बाद भाई और ज़्यादा लुक बढ़ जाती है, यहाँ लग जाएगी ML लाइट आपकी नीचे लग जाएगी इधर,
तो लुक वाइज है ना बहुत ज्यादा एनहांस हो जाते हैं यहाँ पे एमबीएंड के बाद। बाकी भाई काम एक कुछ था, काम इसके अंदर और भी हो सकता है, अगर आपको फुल्ली इंटीरियर अपग्रेड कराना है वो करवा सकते हैं। एंड भाई पीछे दिखाऊं, यहाँ पे हैलोजन आता है तो ये भी हमने एलईडी अपग्रेड कर दिया। बाकी काम यही सब था, क्वालिटी कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके बताना आप कब, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है भाई हमें क्या अपग्रेड करना है, क्या कुछ नया लेके आना है आपके लिए, या फिर कुछ आ रहा है तो वो आप आपको दिखा सके, तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पर नए हो तो भाई जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप चैनल देख के आते हो सब्सक्राइब बटन दबा के आते हो तो भाई 25 की जगह 28% डिस्काउंट मिलेगा आपको Hyundai Genesis सीरीज पे। बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।